हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संजीमा ब्लॉग। आई होप आप लोग सब बढ़िया है और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सो गाइस, आप लोग को स्वागत है आज के मेरे एक नए व्लॉग में। आई होप आज के मेरे व्लॉग को आप लोग को पसंद आएगा। सो चले गाइस, आज के व्लॉग को हम करते हैं स्टार्ट। आज है आपका 23, कल है 24, उसके बाद है 25। तो आज सैटरडे में 25 के लिए यानी कि क्रिसमस के लिए पूरा डेकोरेशन कर दिया है और आप देख सकते हैं पूरा डेकोरेशन कर दिया, ये पूरा लगा दिया जो पिछला साल लगाए थे। शायद मैंने पिछला साल में नहीं दिखाया, ये मैंने शूट किया था लेकिन पूरा सब कुछ गड़बड़ हो गया तो अपलोड नहीं कर पाया, तो अभी ये फिर से लगा दिया है। और उस दिन का ये फ्लावर अभी फिर पूरा खिल गया, आप देख सकते हैं। और पूरा आपका क्रिसमस का तैयारी चल रहा है। तो इधर मैं स्टार लगा दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी बाकी ये करना यहाँ पर, और पूरा स्टार लगाना बाकी है। और दादी यहाँ पे पूरा जीरा कूट रहा है, पूरा जीरा फ्राई करके घर में बना के इस तरह से, तो पूरा ये पाउडर हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा खुशबू आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीठा होता है, जो हम लोग क्रिसमस में पीठा खाता है, लड्डू, तो गम चावल का और पता नहीं कौन सा चावल है, ये सारे चावल है। और यहाँ पे कूट रहा है इस तरह से, ये ट्रेडिशनल इस तरह से होता है एक कूटने का, तो इस तरह से कूट रहा है, देख सकते हैं कितना मेहनत लगता है। आई हो नंगो नंगो कैसे लगा? हम लोग बोरो आदमी ऐसे ही, बोरो आदमी ऐसे ही करते हैं, हमारा ट्रेडिशनल लड्डू ना पीठा तो पीठा है। तो अभी ये बनेगा आपका 25 को, क्रिसमस को, तो इसके लिए पूरा तैयारी चल रहा है। हाँ, मंडे को होगा। हाँ, मंडे को। हाँ, तो ये बहुत मेहनत लगता है इस तरह से, अभी बहुत टाइम लगेगा, लगभग रात हो जाएगा ये कूटते कूटते, पूरा रात हो जाएगा। तो ये हो आ गया राहुल, ये नहीं पहुंचा था सामान डेकोरेशन के लिए, तो लेने गए थे तो लेके आ गया है। तो अभी ये इसमें पूरा डेकोरेशन करेगा और जितना भी बाकी है, और मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या तैयारी चल रहा है। अभी बहुत कुछ चल रहा है और सब लोग अपना अपना काम लगा हुआ है, सब अपना अपना काम कर रहा है। और मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे इस तरह से ये जो बनाना का ट्री होता है उसको इस तरह से रास्ता पे लगाता है, घर का आंगन में भी लगाता है, बट वो सब ढला हुआ है इसलिए अब नहीं लगा सकते, बट घर का आंगन में जो दरवाज़ा का आंगन होता है वहाँ पे लगाता है। लेकिन अभी हाँ मांडा नहीं, हाँ एक्चुअली ये सबका अपना अपना घर का आंगन में लगाता है, बट यहाँ पे सीमेंट ढला हुआ है तो इसलिए नहीं लगा सकता है, बट ये लगाता है तो अभी रास्ता में लगा हुआ है। तो इस तरह से, तो ये इस यहाँ पे गारा है, ये बनाना का ट्री इस तरह से हो गया और इस तरह से, और यहाँ पे अभी लगाएगा स्टार बीच में। तो इस तरह से बना जाता है क्रिसमस में। तो ये क्रिसमस का तैयारी है हमारा, पूरा गांव का ट्रेडिशनल है ये पूरा, जो हम लोग इस तरह से सजाता है। और यहाँ पे पूरा सारे लाइट्स लगा दिया है, तो ये तो अभी जलेगा आपका रात को, तो मैं आपको दिखाऊंगी 26 को, क्योंकि मैं अभी फिर से वापस जा रहा है नानी के पास, तो नानी के पास मैं 25 को रहूँगी, फिर मैं 26 को यहाँ पर आ जाऊँगी, तो उस समय मैं आपको सारे मैं दिखाऊँगी। मैं अभी जाती हूँ मेरे नानी के पास, अभी रात हो जाएगा, हाथी आता है रास्ता में बहुत, तो इसलिए मैं पहले जाती हूँ। अच्छे संडे सेकेंड डे, और यहाँ पर भी हम लोग ने ये जो बनाना ट्रीज होता है वो नहीं लगाया था, तो आज लगा दिया है, तो ये अभी लगाया है आप देख सकते हैं। सो हम लोग ने यहाँ पे कल नहीं लगाया तो आज लगाया है, तो अभी कोई कोई लगा रहा है और अभी भी और बाकी है, काम बाकी है। देखो वहाँ पर भी लगाया, बीच में भी लगाया और इधर घर का आगे में लगाया है यहाँ पे, और ये जो पेपर है वो झिलिक मिलिक वो लगाना बाकी है तो नहीं लगाया। और एक खुशी की बात है मेरा नानी कि मतलब इतना दिन के बाद आज बाहर निकला है, आप देख सकते हैं उसको आज, क्योंकि गाना वाना बज रहे चारों तरफ,
तो उसको बहुत मन है बाहर में बैठ के सब कुछ देखने का, तो वो चल नहीं सकता है, फिर भी हम उसको उठा के लेके आके यहाँ पे बिठाया है, तो आप देख सकते हैं। सो गाइस मेरी क्रिसमस। सो अभी हम लोग को जैसा यहाँ पे पूरा डेकोरेशन थोड़ा छोटा थोड़ा बहुत सिंपल हम लोग ने डेकोरेशन कर लिया है। अच्छा। और हम लोग को जैसा मैंने बताया था कि हम लोग को कैंडल भी जलाना जरूरी है, तो मैं अभी इस वक्त जा रही हूँ कैंडल जलाने के लिए। सो इस तरह से हम लोग इस तरह से जलाते हैं, किसी किसी का तो खत्म भी हो गया, खत्म हो गया। हाँ, तो मैं अभी क्योंकि रात हो गया करते करते, तो जस्ट सिंपल ये हमारा ट्रेडिशनल है। अभी आपको सबका घर में देखने को मिलेगा, सब लोग ने अपना अपना लगा लिया है, बट मेरा आज लेट हो गया है, तो इस तरह से जलाते हैं। अभी 3 दिन तक जलाएंगे ना, 3 दिन तक चलाएंगे, आज चलाएंगे, कल चलाएंगे, परसों चलाएंगे। आज से हैप्पी क्रिसमस, कल है, आज से स्टार्ट है, आज से स्टार्टिंग हो गया, क्योंकि आज रात में सर्विस होगा, तो अभी चर्च में सर्विस हो रहा है, बट हम लोग नहीं गया, हम लोग घर में काम करते करते लेट हो गया है। जैसा कि घर घर में जो पीठा बनाया है, लड्डू बनाया, उसको चर्च में देता है, लोग खाते हैं, और बनाया है घर में भी, मैंने भी खा लिया था एक उस टाइम, तो फिर कल से खाएंगे। और तो ये इस तरह से इसको जलाना पड़ता है, जैसे जैसे ये खत्म होगा, खत्म होगा, उस टाइम जलाना पड़ेगा नया नया कैंडल। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा गांव में गाना बज रहा है, क्रिसमस का गाना, क्रिसमस का गाना, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, पूरा गांव में गाना चल रहा है इस वक्त। सो यही है गांव में क्रिसमस मनाने का फायदा, यही होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ये हो गया, सो मेरी क्रिसमस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से डेकोरेशन कर दिया, यहाँ पे कैंडल जला दिया, देखो उधर में भी सबका कैंडल जल रहा है, सारो देखो उधर कैंडल जल रहा है, इधर में तो खत्म हो गया कैंडल, क्योंकि यहाँ पे इसमें उस टाइम शाम को ही जलाया था, इसलिए खत्म हो गया। सो देखो सारे लड़का लोग घूम रहे हैं इस वक्त, क्रिसमस मना रहे सबका घर घर में। और आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? क्रिसमस के टाइम है, अच्छा अच्छा। सो ये हो गया मेरा नानी का घर, बहुत ही सुंदर। हेलो गाइज, मेरी क्रिसमस। आज है क्रिसमस डे और 25 है, और आप सभी को मेरी क्रिसमस। और इस वक्त मैं नानी का पास ही हूँ, और साथ ही साथ मैं आज सब्जी बना रही हूँ इस वक्त बाहर में। ताप सेकते हम लोग रात में यहाँ पे आग से तापता है, बट आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि अंदर में बन रहा है किचन में लड्डू पीठा ये सारे बन रहा है, तो इसलिए मैं बाहर में, क्योंकि अभी थोड़ा देर में देर के बाद चर्च जाना है, तो इसलिए फटाफट हम लोग सब्जी भी और लड्डू भी साथ साथ में बना रहा है, तो उधर में बना रहा है लड्डू और इधर में बन रहा है बाहर में सब्जी, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बस मेरा नानी, मैंने अभी थोड़ा थोड़ा पहले नानी को थोड़ा केयर करके आया है, उसको चाय भी दिया था थोड़ा सा, लेकिन नहीं पी सका वो, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी आज चर्च, क्योंकि नानी का साथ कोई ना कोई रहना ज़रूरी है, तो मैं, क्योंकि मैं कल गई थी, कल संडे था, मैं कल गई थी, तो मैं आज नहीं जाऊँगी, आज मम्मी जाएगी और सब लोग घर वाले सब लोग जाएंगे, आज मैं नानी का साथ रहूँगी। तो मैं अभी पहले बना रही हूँ सब्जी, पत्ता गोभी, आलू और पता नहीं और एक सब्जी क्या बोलता है उसको, वो सारे मिक्स, और ऑफ कोर्स अस क्रिसमस है तो मीट तो बनता है, तो बन रहा है चिकन। सो हाँ गाइस, मैं अभी पहले बनाती हूँ सब्जी।
गांव में लोग इस तरह से पानी लेता है, जैसा कि जो उस दिन जहाँ से पानी निकलता वहाँ मैंने दिखाया था। तो देखिए साइकिल में इस तरह से गागरी लेके पानी लेके आता है, कितना मुश्किल है ना। देखिए इस तरह से पानी भूकता है, आप देख सकते हैं इस तरह से साइकिल से शहर से पानी लेने जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से पानी लेके आना पड़ता है, उधर बोरिंग है वहाँ से।